फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो चैनल है बहुत ही खास है। जो टॉपिक है आज का वो हाई एनर्जी कंजप्शन के ऊपर है, यानी कि हाई कंजप्शन बिल, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जो बहुत काफ़ी हाई आता है, उसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स है आज के वीडियो में। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर कीजिएगा और बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत किफ़ायती और फ़ायदेकारक हो सकता है। तो जैसे कि हम, जैसे गर्मी का समय होता है तो हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारा जो एवरेज बिल होता है उससे कहीं ज़्यादा बिल आ जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें जो एक कॉमन मैन का इनकम होता है उसका 50% या उसका इक्वल जो है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। तो मैं जान सकता हूँ कि जो समझ सकता हूँ कि जो गर्मी के टाइम में एसी वगैरह यूज़ होते हैं, नॉर्मली जो यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बिल आपका बढ़ सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो शायद आपके लिए फ़ायदेकारक हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो लोग गर्मी के टाइम में एसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें एक सिस्टम होता है कि आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो आप एसी भी यूज़ करोगे, ठंडी हवा भी ले पाओगे एसी की, और आपका जो बिल है ऑन एज ऑन एवरेज कम आएगा जो रेगुलर आता है उससे। तो बेसिकली आपको करना क्या करना है कि सबसे पहले जब आप एसी स्टार्ट करते हो तो आपके पास, आपके एसी में अगर ये फंक्शन है जैसे टर्बो का, यहाँ पे देख सकते हो रिमोट में टर्बो का ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारी खिड़की आप बंद करते हो, तो सबसे पहले एसी जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो उसको टर्बो मोड पर रखना है। तो टर्बो मोड में क्या होगा कि 30 मिनट के अंदर जो टोटल कूलिंग होना चाहिए रूम के हिसाब से, मान लो कि अगर 10x10 का रूम है या 10x12 का रूम है या 10x15 का रूम है, तो अगर आपके एसी में अगर टर्बो का फंक्शन है तो 30 मिनट के अंदर जो टेम्परेचर उसको चाहिए रूम के लिए वो उतना कवर कर देगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो टर्बो मोड में से कट ऑफ होकर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर आपने सेट किया है वो मोड में बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका एसी आ जाएगा। तो टर्बो मोड के बाद में सेकंड स्टेप्स आपका क्या रहेगा कि आपको 24 जो टेम्परेचर है उसके ऊपर आपको एसी कॉमन रखना है टर्बो मोड के बाद में। तो उसमें क्या होगा कि एज ऑन नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है, जिससे आपका एसी प्रॉपरली वर्क करता है, आपका जो रूम का कूलिंग होता है वो भी प्रॉपर रहेगा। उसके बाद उसका जो कंप्रेसर ऑटोमेटिक कट ऑफ होगा, तो जिस हिसाब से अगर जितना कंप्रेसर आपका कट ऑफ होगा उसके हिसाब से आपका बिल उतना कम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आप जल्दी एसी चालू करते हैं जैसे 7, 7:30 बजे, 8 बजे आपने चालू किया, तो सबसे पहले आपको टर्बो मोड पर रखना है, तो 30 मिनट तक वो टर्बो मोड में चलेगा। वैसे फंक्शन जो है एसी और कंपनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर मैं जो नॉर्मली सैमसंग का एसी जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें इस तरह का फंक्शन है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 मिनट के बाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो कट ऑफ हो जाएगा, फिर नॉर्मल 24 टेम्परेचर में आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो रेगुलर मेंटेन होता रहेगा। अगर मान लो कि आप लेट नाइट में चालू करते हो तो टर्बो मोड के बाद में आपको 26 या 27 पे रखना है, तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी आपका टेम्परेचर जो है वेल सेट हो गया है रूम के हिसाब से। तो 26 और 27 अगर टेम्परेचर में रहता है तो जो कंप्रेसर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कट ऑफ टाइम उसका बढ़ जाएगा, तो जितना टेम्परेचर आपका कट ऑफ रहेगा, कंप्रेसर कट ऑफ रहेगा, उसके हिसाब से उतना आपका कंजप्शन लेस होगा, यानी कम उसका यूसेज होगा, तो उतना आपका बिल में एवरेज जो है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक बात करते हैं यहाँ पे, जो कॉमन चीज़ है बहुत कम लोग जिसका बारे में शायद जानते होंगे कि जो हम लाइट्स यूज़ करते हैं घर में जो ज़रूरी है, जैसे कि एक ट्यूबलाइट कॉमन होती है तो 40 वाट पे चलती है, तो वैसे ही आजकल जो है एलईडी लाइट और एलईडी बल्ब मार्केट में अवेलेबल है, तो जिसको आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका, आपको जो लाइटिंग है वो भी प्रॉपर मिलेगा और आपका जो यूसेज है एलईडी की वजह से कम हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा, मैं बता रहा हूँ एलईडी लाइट के बारे में, मैं सीएफएल या नॉर्मल ट्यूबलाइट या बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलईडी के बारे में बता रहा हूँ। तो एलईडी से भी जो है आपका रेगुलर कंजप्शन जो आता है उससे कम हो जाएगा। जैसे 12 वाट का भी जो बल्ब आता है अगर आप यूज़ करो 10x12 के रूम में तो इनफ फोकस दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बल्ब की वजह से शेडो आता है तो एलईडी ट्यूबलाइट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो भी आप लगा सकते हो, तो उससे भी जो है आपका एज ऑन एवरेज कंजप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्यूबलाइट जो 40 वाट की यूज़ करते तो ऑलमोस्ट जो उसका कंजप्शन ज़्यादा करेगा, प्लस उसमें स्टार्टर
का प्रॉब्लम रहता है, बदलने की जो है प्रॉब्लम रहती है, फिर उसमें चॉक रहता है तो वो भी ख़राब हो सकता है। अगर चॉक ख़राब है तो उसकी वजह से आपकी जो वॉल होती है उसके ऊपर ब्लैक शेड हो जाता है हीटिंग की वजह से। तो अगर आप LED ट्यूबलाइट या बल्ब यूज़ करते हैं तो उससे ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ना स्टार्टर की कोई दिक्कत रहती है, ना कोई चॉक बदलने की, या चॉक गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो ना उसका कोई प्रॉब्लम रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप LED लाइट यूज़ करते हो या बल्ब यूज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उससे भी आपका बिल जो है कम होगा। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप TV यूज़ करते हैं घर में, कॉमन हो गया है, तो जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि TV का मेन स्विच ऑन रखते हैं और उसको रिमोट से बंद रखते हैं, तो जो पावर LED होती है वहाँ पे दिखाती है कि भाई ये जो है मेन स्विच ऑन है और रिमोट से बंद किया है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका LED या LED TV है या LCD है, तो उसका जो CRT रहता है वो नॉर्मल पावर कंज्यूम करता है। तो अगर आप मेन स्विच से बंद नहीं करते और खाली रिमोट से अगर आपका TV बंद करते हो तो माइनर जो है आपका कंजप्शन करेगा। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूँ, अगर आपके बाथरूम में एक लीकेज नल है, 2 सेकंड में एक बार उसमें से एक बूंद गिरती है, तो आप नीचे एक बाल्टी रख दीजिएगा और सुबह में चेक कीजिएगा कि वो कितना पानी उसमें भर जाता है। तो सेम वैसे ही अगर आप मेन स्विच चालू रखते हो और आपका TV का जो खाली रिमोट से अगर आप उसको स्विच ऑफ करते हो तो उसका जो CRT रहता है वो माइनर कंजप्शन करता है, तो वो भी इक्वल टू जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके जैसा हो जाता है, वो माइनर कंजप्शन करेगा। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि आपको किस तरह से जो है अगर आपको AC यूज़ करना है और आपका बिल भी कम आता है तो ये टिप्स अगर आप करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसका ओवरऑल जो है आपका कंजप्शन 500 से 1000 रुपये तक कम हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का AC यूज़ करते हो और उसके रेटिंग कितने हैं और कितने टन का है और आपका रूम जो है उसका एरिया कितना है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल कंजप्शन। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप AC अगर सर्विस करवाते हो तो उसमें दो तरह की सर्विस होती है, एक ड्राई और वेट। ड्राई सर्विस में क्या होता है कि खाली केवल जो है कॉम्प्रेसर को ब्लोअर से ब्लो करते हैं वो होता है, तो वो सर्विस करवाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी सर्विस होती है वेट। तो वेट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ज़्यादातर लोग ऊपर का जो है उसका फ्लैप ऊपर करके उसकी जो नेट होती है अंदर वो दो नेट निकाल के उसको वॉश करके ड्राई करके फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरा जो यूनिट होता है उसको ओपन करना पड़ता है और अंदर उसका जो ब्लैक कंडेंसर जैसा रहता है तो उसको पूरा आपको क्लीन करवाना है, वॉश करवाना है, या पानी से या ब्रश से उसको क्लीन कर सकते हो। तो उसके बाद आप ज़रूर चेक कीजिएगा उसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, जिससे आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर जल्दी कूल हो जाएगा। तो सर्विस करवाते हो तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप पैसा दे के सर्विस करवा रहे हो और तो फिर क्यों अच्छी सर्विस ना हो, ताकि आपका बिल भी कम हो जाए, आपको कूलिंग भी बराबर मिले और आपका जो AC है वो भी लॉन्ग लास्टिंग तक चले, उसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो नॉर्मल चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, तो अगर आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर मैंने जो चीज़ आपको बताया अगर उस तरह से आप जो टिप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो बिल है एज ऑन एवरेज जो अभी आ रहा है उससे कम हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो यूज़फुल हो सके। तो आशा रखता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके संबंधित और सही जानकारी मैं आपको दे सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।